मुझे लगा था मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मुझे बड़ा भरोसा है कड़ी मेहनत पे जो सुरेश त्रिवेणी डायरेक्टर की है और पागलपन पे जो विद्या बालन का है, मुझे इन दोनों पे बहुत भरोसा है। और जो टीम है धारा साहू सर, सौरभ गोस्वामी, अतुल कसबेकर जो प्रोड्यूसर हैं सारे, वो टी सीरीज वो लोग इतना विश्वास है उस फिल्म पे, और जिस तरीके से फिल्म अभी तक शेयर की है, जो जिस तरीके से लोगों ने ट्रेलर गानों को इतना सराहा है, 3 गाने आ चुके हैं लगभग सब ट्रांसफर कर गानों पर, तो अब बहुत होपफुल हूँ, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है एंड आप लोगों को भी बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। बहुत मैं खुद भी ढूंढता रहता हूँ अच्छी फिल्म, तो दिस इज वन ऑफ दैट। वेरी 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 लकी, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिलती है जिसको आप कहो कि अरे आई कैन गिव माई राइट डाउन टू दिस फिल्म, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ एक स्क्रिप्ट है तुम्हारी सुल्लू। और जिस तरीके के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ही बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से फिल्म है। द स्लाइस ऑफ लाइफ ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्म है, जो आपको फील ट्रेलर में, गानों में, सब में दिखा है, इट विल ब्रिंग स्माइल ऑन द फेस। तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारी फिल्म है, ट्रेलर तो सुपर डुपर हिट हो चुका है, एंड इवन आपका गाना सुनने का बताइए, मैं डांस करता पाया जा रहा हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो लाइक मिलियंस क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, लाइक आपका हाफ ऑफ द बैटल तो आप जीत चुके हैं। ऐसा है क्या? हां मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता ना कि अभी तक हम लोग गाने सुनते थे और मुझे अच्छे गाने लगते थे, बट अभी आज ही की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ कार राइड कर रहा था और अचानक बंजा गाना आया, एंड पता नहीं आपको बहुत अच्छा लगता ना, अरे ये तो मैं हूँ इसमें, इट्स माय सॉन्ग, एंड वी ऑल स्टार्टेड डांसिंग, सो हैप्पी विद दिस। एंड जितने लोग मुझे डांस मेरा डांस कर करके मुझे वीडियोज भेज रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं, मैं इतना खुश हो जाता हूँ देख के, इतना अच्छा हम्बल और अच्छा फील होता है कि यू नो आई डिड समथिंग विच एवरीवन लाइक, इट्स नॉट, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, गाना बहुत हिट हो चुका है, ट्रेलर बहुत हिट हो चुका है, सो मतलब आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर। प्रमोशन ऑफ कोर्स होता है डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे मतलब लगातार सवाल जवाब देने होते हैं, लगातार आपको अपनी फिल्म को प्रमोट करना होता है, बट ये एक फिल्म है तुम्हारी सुल्लू, आप यकीन मानिए मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करके, और बिल्कुल मैं इसमें अब पूरी ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ इस फिल्म के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि प्लीज़ ये फिल्म थिएटर में जाके देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने फिल्म देखी है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सो आप कहें तो मैं 1-2 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट नेहा और विद्या ये गुंडी हैं, दोनों गुंडी दोनों हैं, दोनों बहुत तेज हैं, और विद्या में तो मस्ती है, मतलब जैसी सुल्लू है वैसी विद्या है बिल्कुल, तो वो तो मतलब मैं तो काफ़ी ऐसा लगता है, एक बार ऐसी विद्या ने मुझसे बोला था कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं, प्रोड्यूसर आए हुए हैं आज, हम लोग लड़ लेते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं और सीरियसली लड़ाई करते हैं और देखते हैं लोग क्या करते हैं, वो तो हमारा तो चौथा पाँचवा दिन दर्शन होता है, ठीक है करते हैं ट्राई करते हैं, और वो सच में फाइट करने लगी देते हैं, मैं इस थिएटर वाले का क्या कभी रिहर्सल कराया गया, मुझे नहीं करनी रिहर्सल, मैं थोड़ी देर तक ऐसा करता हूँ अच्छा हाँ ये गलत है, मैं उससे नहीं हुई लड़ाई, मेरे से नहीं बन गए लड़ते क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता आपसे, तुम मैं सब हंसती है, बट प्रोड्यूसर थोड़ी देर के डर गए थे, तो ऐसे ऐसे वो प्रैंक करती रहती है पूरे सेट पे,
But the best part is because of Vidya, the kind of person she is, the energy she carries, the way she carries herself. पूरे सेट पे हमेशा स्माइल होती थी एवरी वन. मतलब मैं तो बीच में मुझे याद है मेरे को 3 दिन का गैप हुआ था और मैंने सुरेश को फोन करके बोला यार मैं आ जाऊँ कैसे मैं ना बहुत बोल रहा हूँ मुझे ना आ जाना. आई वाज मिसिंग इट सो मच. आई स्टिल मिस द एंटायर शूट द जर्नी. इट वाज वंडरफुल. सो विद्या से क्या आप क्या कुछ आपने सीखा है? मैंने एक्चुअली जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है बतौर एक्टर आपको अपने क्वेक्टर को बहुत देना पड़ता है. जब तक आपका क्वेक्टर नहीं अच्छा है आप अच्छे नहीं होंगे. एंड ये सूत्र मुझे पहले भी पता था बट मैंने इन प्रैक्टिस पहली बार देखा कि हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिया है और वो भी उसी तरीके की एक्टिंग में बिलीव करती हूँ जिस तरीके की एक्टिंग में मैं बिलीव करता हूँ. सो और हम दोनों को हाँ हंसने की बीमारी है तो हम लोग एक तरह से काफ़ी जेल हो गए साथ में. और विद्या की जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जब वो सेट पर रहती हैं उनको सबके प्रॉब्लम पता होती है. पता नहीं